और यहाँ पूरे इलाके में मतलब आर्मी कैंप वगैरह हर जगह है, और आफ्सपा तो यहाँ पे लागू है, ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है पूरे TCL में लागू है, तो इसीलिए जब भी आप यहाँ घूमने आते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आप लोगों ने देखा पिछले व्लॉग में कि हम आए हुए थे चांगलांग, और अभी भी हम चांगलांग में ही हैं। आज हमारा चांगलांग में दूसरा दिन है, और अभी मैं और दौलू कोशिश करेंगे चांगलांग थोड़ा घूमने के लिए, और आपको भी थोड़ा सा चांगलांग दिखाने के लिए, मैं भी चांगलांग अच्छे से देखा नहीं, चांगलांग टाउन को जो कि हेडक्वार्टर है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का, और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट लोहित डिस्ट्रिक्ट के साउथ में और तिराप डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में स्थित है। चलिए अभी थोड़ा सा चांगलांग टाउन को घूमते हैं, उसके बाद हमें यहाँ से निकलना होगा तिराप डिस्ट्रिक्ट। हम कौन सा जाने वाले हैं हम दोनों, तो दोनों हम दोनों अभी निकलने वाले हैं, बने रहेगा व्लॉग पे। चलिए आपको चांगलांग दिखाते हैं। होगा दादा सर, आते हैं आते हैं, पार करने से टर्न सही में मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, उधर तो ज्यादा बदल तक गया ना, उससे आगे नहीं गया। कौन सा बॉर्डर तक गया है? ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 1.5 आवर मैक्सिमम, आराम से जाने से भी। हाँ हाँ, होगा सर। ठीक, यहाँ में सुबह बहुत जल्दी धूप निकल जाता है, मतलब 6:30 तक पूरा धूप निकल जाता है, गर्मी हो जाता है। लेकिन टी शर्ट वगैरह एक्स्ट्रा हम नहीं लाया था, इसीलिए गर्मी है, फिर भी पहन लिया जंपर। दोलू तो बहुत बार, उसका आना जाना लगा ही रहता है यहाँ पे, बहुत सालों से उनका आना जाना है यहाँ पे, मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, ये चांगलांग का मेन गेट है, एंट्री यहाँ से होता है। अगर आप वहाँ से कहाँ से हो के आने से, मार्गरेटा होके आने से, ये रास्ता है सीधा मार्गरेटा जाने का, वहाँ से आप एंटर कर सकते हैं चांगलांग, और मनमाव से भी एंटर कर सकते हैं, जहाँ से हमने कल रात मैंने और दोनों ने एंट्री किया था टाउन के पीछे साइड से। और अभी आपको सबसे पहले दिखाएंगे यहाँ का हेलीपैड। अच्छा, तो हेलीपैड मतलब टॉप व्यू, यहाँ से थोड़ा चांगलांग का व्यू देख सकते हैं। तो ये दोस्तों चांगलांग का हेलीपैड, वहाँ ऊपर आई लव चांगलांग। तो काइंड ऑफ ये टाउन का टॉप एरिया है, यहाँ से एकदम सुंदर सा व्यू देख सकते हैं हम। तो यहाँ से एग्जैक्टली पूरा टाउन तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उस पहाड़ का पीछे छुप गया है टाउन, पर बेसिकली यही एरिया है। और वहाँ नीचे आप नदी देख सकते हैं, वो नदी डिवाइड करता है चांगलांग को साउथ चांगलांग और इस तरफ नॉर्थ चांगलांग में। कल हम लोग वहां से आए थे, लेकिन आप लोग यहाँ से भी आ सकते हैं मार्गरेटा होकर। तो दोस्तों ये था आई लव चांगलांग व्यू पॉइंट, अभी हम यहाँ से निकलेंगे, और मेरे पीछे यहाँ पे हेलीपैड आपको दिखा दिया। अभी चले यहाँ से निकलते हैं और मेन टाउन की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ से धीरे धीरे करके हम कुछ एक आध जगह रुकेंगे, उसके बाद कुछ दिखाने लायक अगर होगा तो दिखाएंगे, फिर हमें कौन सा भी जाना है आज। चांगलांग टाउन ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, और अभी तो धीरे धीरे करके अभी रोड कम्युनिकेशन ठीक हो गया, तो और डेवलपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होता, मतलब हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ज़्यादातर मतलब नया नया मार्केट्स अभी खुल रहा है, ICIC बैंक भी है अभी देखा मैंने, नया खुला होगा बैंक। और जो TCL एरिया अरुणाचल प्रदेश का हम सुनते रहते थे, उसमें से एक चांगलांग भी है, तिराप चांगलांग और लोंगडिंग, इन तीनों को मिलाकर TCL एरिया से बताते हैं। ये होगा डेली मार्केट एरिया, छोटा सा ही है तो। वाह, SBI बैंक। मस्ती भरे मन की,
तो ये है दोस्तों चांगलांग से निकलता हुआ रास्ता, यहाँ से हम तिरप डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं, खोनसा जा सकते हैं, और हम यही से जाने वाले हैं खोनसा। यहाँ से अभी एक चांगलांग का व्यू और देख लेते हैं, सुंदर सा व्यू। तो यहाँ से कुछ भाग दिखाई दे रहा है टाउन का। जैसा कि मैंने कहा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, और जैसा मैंने इमेजिन किया था उससे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अभी हम यहाँ से कौन सा निकलेंगे, तिरप डिस्ट्रिक्ट, और बहुत कुछ खास दिखाने की चीज़ें भी यहाँ पे इतना नहीं है। रुक रुक के जितना कुछ दिखा सकेंगे, दिखाने का लायक होगा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और अभी हमें कौन सा भी पहुँचना है, फिर लौट कर चांगलांग वापस भी आना है शाम तक। और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद उधर रंगफरा कॉलेज चांगलांग का। तो दोस्तों हमने लगभग, हम और दोनों ने चांगलांग टाउन को अभी क्रॉस कर लिया है, कौनसा में जाना है। और इस बीच शायद कुछ कुछ एक आध यहाँ का थांगसा नागा लोगों का गांव मिलेगा शायद कुछ कुछ। और यहाँ पूरे इलाके में मतलब आर्मी कैंप वगैरह हर जगह है, और अफ्सपा तो यहाँ पे लागू है, ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है पूरे TCL में लागू है। तो इसीलिए जब भी आप यहाँ घूमने आते हो तो हमेशा यहाँ हमारे जो इंडियन आर्मी है उनका हमेशा कोऑपरेट करे, वो जब भी रुका है तुरंत आपको रोकना है, रुक जाना है, और जो भी वो पूछे उसको अच्छे से बताना है, अच्छे से बात करना है, आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, वो सब पूरी तरह से अच्छे से बताना है। यहाँ पे मतलब पूरा अफ्सपा लागू है तो पूरा आर्मी का ही रूल मतलब ऐसा है, ऐसा तो नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना काम अच्छे से कर रहा है, फिर भी यहाँ शांति बनाए रखने के लिए आर्मी भी यहाँ पे तैनात है। थोड़ा सेंसिटिव एरिया तो यही है, आप बताने की ज़रूरत ही नहीं, सबको पता है। तो चलिए अभी यहाँ से चलते हैं खोनसा, और बीच में कुछ और दिखाने लायक होगा तो हम ज़रूर दिखाएंगे। हेलो, तो दोस्तों ये रहा चांगलांग से निकलते वक्त ट्रांस अरुणाचल हाईवे में हम वापस कनेक्ट करने वाले हैं, जो कि सीधा अभी खोनसा की तरफ, तिरप डिस्ट्रिक्ट की तरफ ही हमें ले जाएगा, हमें यहीं से जाना है अभी। पंगचाऊ 137 किलोमीटर वॉक का, खोनसा 59 किलोमीटर, कानुवारी 143। अच्छा यानकांग विलेज, अभी 40 किलोमीटर कुछ ही बचा है खोनसा पहुंचने के लिए, और वहाँ पीछे चांगलांग को छोड़ दिया है। अभी एक विलेज हमने क्रॉस किया है यानकांग, यानकांग के बाद अभी ये याद्दम, आई लव याद्दम, ये देखिए आई लव याद्दम, ये एक व्यू पॉइंट है, आई लव याद्दम व्यू पॉइंट, इंटीग्रेटेड बाय श्री तेसम पोंगते डिप्टी स्पीकर। तो यहाँ से आई लव याद्दम से एक सुंदर सा व्यू, चलिए देखते हैं एक बार। वो रहा चांगलांग, ये एक चीज बहुत अच्छा से बना है, एकदम प्रॉपर टाइल्स डाल के बनाया है। आई लव आलो का तो सत्यानाश कर दिया, इसका सत्यानाश नहीं कर पाएगा, सुंदर से बना, अच्छा से बनाया, पूरा टाइल्स है सीमेंट करके। ऐसे ही अपना आई लव आलो भी है, लेकिन अभी के दिन में तो आई लव आलो का सत्यानाश करके रखा हुआ है। चलो दोस्तों, आई लव याद्दम से आपको व्यू दिखा दिया, अभी सीधे यहाँ से बढ़ते हैं खोनसा की तरफ। और अभी दिन के बज चुके हैं 12:30। खोनसा जाके जाना भी है, लेकिन बाइक भी मिलेगा ना? हाँ, खोनसा जाके एक छोटे भाई को मिलना है। और खोनसा जाते जाते एक बात बताना भूल गया, खोनसा मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम और दोनों के लिए भी फर्स्ट टाइम ना, आज हम दोनों फर्स्ट टाइम खोनसा देखने वाले हैं। सुना बहुत बार है खोनसा के बारे में, खोनसा टाउन, देखा कभी नहीं है। तो आप में से भी कई लोग होगा जो अभी तक खोनसा नहीं देखा होगा, चलिए साथ में देखते हैं खोनसा, चलिए। आलो से चांगलांग तक पहुंचा, चांगलांग से अभी खोनसा जा रहे हैं, थोड़ा भी मतलब रास्ता का प्रॉब्लम नहीं हुआ, इतना अच्छा रास्ता है,
और आलो में तो हमें अच्छा रास्ता अभी मिला है, रिसेंटली मिला है, और इतना सुंदर भी है। वेजिटेशन भी ऑलमोस्ट वेस्ट सियांग का जैसा ही है, पहाड़ का वेजिटेशन, लेकिन रोड साइड किनारे में वो झाड़ू जैसा, तपी जैसा कुछ कुछ है, बहुत सुंदर लगता है। कि हम मिथुन नहीं है ना खाने वाला, मिथुन नहीं है ना, मिथुन बहुत मुश्किल से मिलेगा। अच्छा अच्छा, एक्चुअली बहुत वो फील आता था, क्या बोले मतलब पहले समय का नॉस्टैल्जिया, हां नॉस्टैल्जिया वाला फील आता है। अभी तो हम लोग में दिखा नहीं है, लेकिन दूधों में पाव, दूधों में पाजा, वो दूधों में पाजा था। आप लोग भी आके देखो, बहुत दूधों में पाव, बहुत ज्यादा दूध होगा, और हमको तो एक्स्ट्रा ही दूध होता है। अभी कौन सा 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ये देखो यहाँ का ट्रेडिशनल घर। दिस इज न्यू कतंग विलेज। खेला विलेज, अच्छा बंटिंग, बंटिंग। गाइस अभी हम कौन सा टाउन पहुंचने वाले हैं, जो तिराप डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, कौन सा, बस 5 किलोमीटर बचे हैं अभी, और इट्स 1:30 PM ऑलरेडी, सारे एक बज चुके हैं। ये कहां आ गए हम, मेरी जिस्म जा पिघलते पिघलता ही नहीं आजकल जिस्म जा। दोस्तों तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं तिराप डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर खोनसा टाउन में, लेकिन नीचे देखिए व्लॉग काफी लंबा हो चुका है, इसीलिए फिलहाल के लिए मुझे इस व्लॉग को एंड करना पड़ेगा। अगली व्लॉग में मैं दिखाऊंगा कि कौन सा टाउन में आकर हम कहां कहां जाते हैं, क्या क्या करते हैं, ये आपको अगली व्लॉग में पता चलेगा। इसीलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वेट कीजिएगा अगली व्लॉग के लिए।